अस्सलाम सना। वालेकुम अस्सलाम फहद, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ईगर टू स्टार्ट विद यू। आपको पता है लॉन्ग टाइम हम लोगों ने आपस में 1-to-1 नहीं किया काफ़ी, क्योंकि यासिर भाई के साथ तो कुछ बहुत वक्त देते हैं आप उनको। कुछ ऐसी केमिस्ट्री है कि बस आई जस्ट स्विच हिम ऑन माशाल्लाह एंड ही गोज ऑन एंड ऑन। और फिर उनका एक केमिस्ट्री ऐसी हम लोगों की कि मुझे ना उनकी स्टोरी से 2 स्टोरीज और याद आती है एंड ही टॉक सो मच सेंस कि फिर मैं बोलता हूँ यार इस पर भी एक बात। आप दोनों स्टोरी टेलर्स हैं। हाँ, तो हम दोनों की स्टोरीज बड़ी मैच करती है और भी थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस काफ़ी सारा मैच करता है। अल्लाह का शुक्र है फहद। तो अल्लाह का शुक्र है। इट्स मतलब ज़रूरी है कि आपकी एनर्जी बड़ी मैच करे। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपना एक वो लगाया था पोस्ट, गुड एनर्जी और गुड बाय। काफ़ी लोगों ने कहा था यार इज़ इन दिस सेल्फिश, है ना? इट्स नॉट सेल्फिश, अच्छी एनर्जी है, मैच करती है, ठीक है गो अहेड, वरना तो यार फैमिली में हो, फैमिली से बाहर हो, दोस्तों में हो, गुड बाय। आपको ज़रूरत नहीं है इन तरह की चीज़ों करने की। हाँ ये है कि आप थोड़ा सा बस साथ लेके चलेंगे चीज़ों को, बट ड्रॉ द लाइन। तो इसी पे जो आज का टॉपिक है जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अक्सर लोग मुझ पर एक फेमिनिस्ट का ठप्पा लगाते हैं, उनको ये नहीं पता कि फेमिनिस्ट का मतलब क्या है। मेरे नज़दीक तो हर डोटिंग फादर और हर ब्रदर, हर बाप, भाई, बेटा जो भी होता है, अगर उसको अपनी औरतों का ख्याल है तो वो फेमिनिस्ट। अगर आप इसको फेमिनिस्ट कहते हो तो ठीक है, लेकिन फेमिनिज़म ऐसा होता नहीं है। तो एक ज़माने में मुझे इसी तरह याद है, मेरी एक यूनिवर्सिटी की फ़्रेंड थी, तो उसने मुझे बताया अगले दिन, आगे काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स थे हम लोग, से बताया यार वो अजीब अम्मा ने ना दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। मैं क्यों कह रही यार अभी कल भी रिश्ता आया, सारी चीज़ें वही तय हो गई, उन्होंने पसंद कर लिया मुझे। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी CV मिल सकती है मुझे। तो आप यकीन करो वो उठ के उन्होंने कहा कि ये कैसी लड़की CV मांग रही है, तो वो उठ के वहाँ से चले गए। तो मेरी अम्मा मुझे बरस गई, पता नहीं यार क्यों। तो मुझे वहाँ से एक एहसास हुआ कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अपनी बहन को रख के सोचूँ या अपनी बेटी को रख के सोचूँ तो दैट्स अ प्रोग्रेसिव अप्रोच, और अगर कर दिए तो आपके अंदर इतना इनसिक्योरिटी क्यों है? आपको तो बोलना चाहिए कि यार वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है ये लो। मतलब ट्रांसपेरेंसी तो सबसे बड़ा रूल है ना। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो जाओ, लेकिन पहली मुलाकात में ट्रांसपेरेंट कौन होता है फहद? हमारे इसी कुफल को तोड़ने के लिए उसने CV मांगी थी। अक्सर ऐसा हो जाता है। मैं खुद उन लोगों में से हूँ जो इंटरव्यू करने बैठ जाते थे। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया हमारी वो जो इतनी लंबी पॉडकास्ट हुई थी उसमें, बट मैं ये चाहूँगी यहाँ पर पॉइंट आउट करना कि अक्सर मेरे पास इनबॉक्स मैसेजेस आते और कुछ क्लाइंट्स अप्रोच करते हैं कि हमारी एक सर्टन एज हो गई है, और मैं जब सर्टन एज कह रही हूँ तो 30+, ठीक है, जो कि अब अभी तक सोसाइटी में ना ये समझा जाता है कि लड़की की उम्र निकल रही है। ठीक है, 30+, फिर बार बार एहसास दिलाना बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है, तो क्योंकि रिश्ते नहीं आ रहे। मेरा सवाल ये होता है कि रिश्ते आने का इंतज़ार क्यों है? क्योंकि अक्सर चीज़ें मायूब समझी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे CV मांग ली इन्होंने, उसी तरह किसी को अप्रोच करना, ठीक है, किसी फ्रेंड के थ्रू अप्रोच करना, वालदैन के थ्रू अप्रोच करना, लेकिन लड़की का किसी को अप्रोच करना आज भी मायूब समझा जाता है, जबकि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से है। ठीक है, सो कहने का मकसद क्या है कि मैं बज़ाते खुद अब प्री मैरिटल कोचिंग प्रोग्राम के थ्रू लोगों को इनक्रेज करती हूँ कि एटलीस्ट वो सवाल करना सीख लें जो आपको ये बता दें कि हाँ जी, जो बाकी सब टिक मार्क्स, चेक मार्क्स जो हमारे यहाँ मैरिज काउंसलिंग वाले और क्या होते हैं वो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है मैच मेकिंग की, कमर्शियल एंगल है जो कि हम बिक चुके हैं, बिक गई गवर्नमेंट उसमें। ठीक है, सो क्या ये मायूब होना चाहिए? क्या आप चाहेंगे कि आप छानबीन करें? देखें, पेरेंट्स की छानबीन अलग तरह की होती है। हाँ, ये आंसर है ना। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि छुप के भी अगर कोई डेटिंग कर रहा है ना पेरेंट्स को बगैर बताए, तो कम से कम वो इतना शऊर ज़रूर रखे कि उसने उस डेट को सही तरह से उस वक्त का इस्तेमाल कैसे करना है। क्या वो सवाल जवाब होंगे इससे कि वो गैर ज़रूरी एक्सपेक्टेशंस कोई बिला वजह की सेट हो जाए, या वो सिर्फ हाँ जी आप मुझे अच्छे लगते हैं और एक दूसरे को ही अच्छा लगने में बस वो यूँ निकल जाए वक्त? नहीं, इट्स रिकमेंडेड कि आप 3 ऐसी मुलाकातें करें जिन 3 मुलाकातों में आप गेज कर सकें। CBA ना भी हो बट आपको ये ज़रूर पता चल जाए कि इस शख्स के साथ मेरी जहनी हम आहंगी हो रही है कि नहीं। क्योंकि आप बता तो सकें कि हाँ ठीक है, मैं कुछ चीज़ों से एग्रीड हूँ, कुछ चीज़ों से नहीं एग्रीड हूँ, मैं यहाँ गुजारा कर सकती हूँ कि नहीं। एक फ्लॉड कॉन्सेप्ट ये भी तो है ना फ़हद के जी, हमारे लिए कोई एक है, उसको ढूंढते ही रह जाए या उसका इंतज़ार ही करते रह जाए। वाई मीट मोर पीपल, लोगों से मिले। आप जब लोगों से मिलें तो आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, और जिनके साथ आप वाइब करते हैं, जिनके साथ एनर्जी का मैच होता है, वो ज़रूरी है ना, वो एनर्जी का मैच रखना ज़रूरी है। कि शायद ये बहुत सारी लड़कियाँ जो है ना वो लड़कों के इंतजार रखती है, और हमारे ख़ानदान में भी जो इनके साथ हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोमिसज हैं, सब कुछ है। अब लड़के के बेचारे के मतलब घर में बोल नहीं सकता वो, लेकिन यहाँ टलाई जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। तो उससे बड़ी अच्छी बात थी कि मर्दों की अक्सर बायोलॉजिकल जॉब का मसला नहीं होता, खवातीन का होता है। तो बी दैट मच माइंडफुल ऑफ दिस फैक्ट कि आप अपना स्टैंड लेना शुरू करो और वो वॉन करना शुरू करो। मतलब एक ही के इंतज़ार मेरे से आपसे भी रहा कि एक तो चलो बस्टा रिस्टेड ढूंढ रहे हो, लेकिन एक फॉर एग्ज़ाम्पल किससे कमिटेड है और वो भी उसको टलाया जा रहा है, तो उसमें भी उसके पास इतना दम होना चाहिए कि उसको बोले गया ऐसा नहीं हो। शायद आपको याद है मैंने बताया था आपको कि यासिर के साथ बातचीत तो थी, लाइक घर वालों की बातचीत शुरू थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने डिफरेंट प्रपोजल्स को एंटरटेन तो किया ना। किस लिए किया? यही कॉन्सेप्ट ना मेरे बाबा ने भी कहा था कि बेटा कीप योर ऑप्शंस ओपन, देयर इज़ नो हार्म। आप देखो बट एक सर्टेन लिमिट में रह के देखो। आपकी लिमिटेशंस आप खुद सेट करते हैं, बाउंड्रीज आप खुद सेट करते हैं। सो आप कहाँ ओवरबोर्ड हो गए हैं वो भी नहीं होना चाहिए। आपको इतना शौर होना चाहिए कि आप जिससे मिल रहे हैं आप किस तरह से मिलेंगे, किस सेटिंग में मिलेंगे, पब्लिकली मिल रहे हैं, दोस्तों के दरमियान मिल रहे हैं, आपको बात करने का मौका मिल रहा है। फहद, अब के बच्चे हैं, जो अब लोग हैं, उनको उस तरह का अब इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ना, तो उस तरह के इनके कॉन्सेप्ट नहीं है कि हाँ जी बस एक ही है और उसके चक्कर में मैं वो सात समंदर पार है और मैं बस इंतज़ार की तस्वीर बनी हुई हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए। ये नफसियाती दबाव का शिकार हो जाते हैं ऐसे लोग, स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं कि जी पता नहीं मेरा क्या बनेगा। सो व्हाट इज़ द राइट वे फॉरवर्ड फॉर देम? बिकमिंग सेल्फ अवेयर। सबसे पहले मैं जो लोगों को हेल्प कर रही हूँ वो ये करने में हेल्प कर रही हूँ कि आप कौन हैं और आपको चाहिए क्या। लेकिन हमारे माशरे में जो लड़कियाँ प्रपोज करती हैं, प्रपोज करना चाहती हैं, और वैसे बड़ा मायूब समझा जाता है। तो वो नहीं थिंक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप मायूब पेरेंट्स, फाइव मायूब पेरेंट्स समझेंगे। अगर लड़की है वो लड़के को परस्यू कर रही है, वो लड़के के साथ बैठ के बात करना चाह रही है ना, प्रपोजल की बात तो बाद में आएगी ना, पहले वो ये देखे तो कि हाँ जी आर वी गेटिंग अलॉन्ग, आर वी जेलिंग इन फाइन, हम साथ बैठ के हंस सकते हैं, हम साथ बैठ के मूवी अच्छी तरह देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, हमारे जो टाइम साथ गुजरता है वो कैसा गुजरता है ये वैल्यूएट कर सकते हैं ना। उसके बाद प्रपोजल की बारी आएगी। हाँ, ये लड़के शायद एहसास ना करते हो, आजकल जो एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है वो है लव बॉम्बिंग। आपने सुना? लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग इज़ कि आपको एक हफ्ता, एक महीना खूब तवज्जा मिल गई और उसके बाद गोस्टिंग हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ अरसे बाद वो चीज़ की डायनामिक्स बन जाती हैं कि हाँ जी अचानक से पॉपअप हो जाएगा कि ओ हाँ मैं इसमें मसरूफ़ हो गया था, ओ सो सॉरी, और ये वो टू सी ये मुझ में कितना इन्वॉल्व है। ठीक है, कभी कभी ईगो के टिक मार्क्स होते हैं और ये लड़के लड़कियाँ दोनों ही कर रहे हैं। लव बॉम्बिंग आजकल का टर्म है। ठीक है, मुझे भी ज़ाहिर रिसर्च करती हूँ, लोगों के इनबॉक्स आते हैं तो पता चलता है अच्छा बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल। ट्वेंटीज़ में बच्चे दोनों, लड़के लड़कियाँ दोनों कमाने लगते हैं, थोड़ी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाती है, तो थोड़ा सा यू नो बाहर निकल के इस तरह से होने लगता है। हाँ, एक और चीज़ है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी स्पेशली लड़कियों के लिए। आप निकली ज़रूर हो, उसका ये मतलब नहीं कि आप कोई बागी हो गई हो। अपने ही जहन में अपने आप को जज नहीं करो। आपकी इंटेंशन साफ होनी चाहिए, आपकी मोटिवेशन क्या होनी चाहिए। जैसे मैं समझाती हूँ ना कि अगर डेट कर रहे हैं तो किस मकसद से डेट कर रहे हैं। और डेटिंग भी मुलाकात, तो पहली मुलाकात इज़ नॉट क्लासिफाइड एज डेटिंग ना, डेटिंग के पीछे इंटेंशन होता है। हाउ डू यू बिकम विजिबल इज़ ऑल्सो अ थिंग। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो मुस्लिम डेटिंग ऐप्स यूज़ करते हैं या शादी ऐप्स यूज़ करते हैं जहाँ पोटेंशियल स्पाउसेस होते हैं। कभी फॉर्मेट देखा है उसका? उस फॉर्मेट में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो इमोशनल कंपैटिबिलिटी को या मेंटल कंपैटिबिलिटी को जज कर सके। सो जब मैं किसी को कहती हूँ ना कि यार आप अपना प्रोफाइल बनाओ, तो मैं उससे पहले उन्हें सिखाती हूँ कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है। योर इंट्रोडक्शन सेज अ लॉट अबाउट यू। योर इंट्रोडक्शन इज़ नॉट योर क्वालिफिकेशन। आपका इंट्रोडक्शन महज ये नहीं है कि आप काम क्या करते हैं या आपकी पोस्ट क्या है, Who you are as a person, ताकि उस ओपनिंग सेंटेंस में, उस ओपनिंग स्टेटमेंट में वो एक ऐसे समझें जैसे एलिवेटर पिच। क्या होती है एलिवेटर पिच? शुरू में 3 से 5 सेकंड में आपको मतलब आप एक एलिवेटर में घुसे, तो आप अगर किसी को तारुफ करवाना चाहें और ठीक है। सो स्टीलिंग दैट शो इज़ नॉट impossible, but without guidance how can you do it? Guidance किस चीज़ की? आप सोचो फहद, नर्वसनेस नहीं होती होगी पहली दफ़ा किसी से कोई मिल रहा है, लड़के को अपनी जगह लड़की को अपनी जगह। सो उस नर्वसनेस को ओवरकम कैसे करना है? हाउ कैन यू बी मोर कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। सो पहला लेसन तो आपकी थाट प्रोसेस और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे होना चाहिए ना, बिफोर एनीथिंग एल्स। अच्छा, अम्मा अब्बा को हैंडल कैसे करना है, अम्मा अब्बा को क्या बताना है। अम्मा अब्बा, हम उस माशरे में रहते हैं जहाँ शादी, बच्चों की शादी को फ़र्ज समझा जाता है पढ़ाई से ज़्यादा। लोग अपनी इलनेस की वजह से अपने बच्चों की जल्दी शादियाँ कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि इनका आगे मुस्तकबिल कैसा रहेगा। इनसे वाकई ये मैं पीछे वगैरह भी देखता हूँ इस तरह की अगर जितनी हुई हैं कभी या होती आ रही हैं, नवीर को मोड़ किया जाता है, डाउन नहीं किया जाता है। कितना ख़तरनाक, क्यों ख़तरनाक है ना? आप चाहेंगे ऐसा? बहुत कम लोग हैं जो इस पर तवज्जो भी देंगे। ठीक है, हाँ मैं ये मानती हूँ कि किसी को भी अब्यूसिव रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, लेकिन चंद वो चीज़ें जो आपको उस अब्यूसिव रिलेशनशिप में घुसने से पहले ही मालूम पड़ सकती हैं, क्यों उनकी जाँच नहीं होनी चाहिए, क्यों इसमें शर्मिंदगी महसूस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फहद, आपने सोचा है कि हम कभी मेडिकल करवा लें, टू बी का मेडिकल, यानी हम ये पूछने कि सकत रखें कि जी क्या आपके घर में कोई मौरूसी बीमारियां हैं, क्या आपके घर में कोई ऐसी डिजीज़ हैं। वही अगेन कि यार ये क्या जांच पड़ताल हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। सो क्या करना होगा हमें कि हम इस चीज़ को मज़ीद प्रमोट कर सकें। सुनने वाले को ये भी लग सकता है कि मैं डेटिंग को प्रमोट कर रही हूँ। क्या मैं डेटिंग को प्रमोट कर रही हूँ? मैं एक्चुअली प्री मैरिटल कोचिंग को प्रमोट कर रही हूँ। ये कह लेते हैं कि आपके पास अगर आपके वालिदैन ने आपको ये चीज़ें नहीं सिखाई तो आप किसी ऐसे ट्रेंड प्रोफेशनल से रब्ता करें जो आपको ये चीज़ें सिखा सके, बता सके और कम से कम सेल्फ अवेयर तो कर सके। आपको गाइडलाइन मिल जाएगी, आप उसको फॉलो करो, आपको अपने पर मेहनत खुद करनी, फिर चाहे आप लड़के चाहे आप लड़की चाहे फ्रांस एंड जो भी है। और एट द एंड ऑफ द डे देखें, मसला सारा ये है कि आपकी अपनी लाइफ की क्वालिटी की बात हो रही है, क्योंकि आप कंसर्न हो अपनी लाइफ की क्वालिटी के बारे में। और ख़ासतौर पर जैसे यासिर भाई ने कहा था ना कि यार ये बंदी मेरे बच्चों की माँ बनेगी, तो आपको भी कंसर्न होना चाहिए कि मेरे बच्चों का बाप कैसा शख्स बनेगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। देखिए इवॉल्व करके बाद जो आप आज से 20 साल पहले जब आपकी मगनी वाली थी, ठीक है, आवाज़ आप नहीं ठीक 20 साल है ना, ठीक है। सो मैं भी जब मैं टीनेजर थी तो मैं ऐसे नहीं थी, जब मैं 20s में थी तो मैं ऐसे नहीं थी, मैं 30s में भी ऐसे नहीं थी। सो हम ऑल स्टिल ग्रो कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि जी जिससे मैं आज शादी कर रहा हूँ ये बदलेगा नहीं। बड़ा क्वेश्चनेबल लगने लगता है ये जुमला जब लिखा हुआ नज़र आता है ना किसी प्लेटफॉर्म पे कि मैंने तो ऐसे सोचा था, वो तो बदल गए, वो तो ऐसे निकले नहीं, इन बस अच्छे थे, वो तो बढ़िया बोल गए, वो तो बदल गए। लोग तो मुनाफिक है ना, वो इवॉल्व करते हैं। इट इज़ बाय चॉइस कि वो आपके साथ इवॉल्व करें। मुझे वो याद आता है, बड़ा अच्छा सपोर्ट था, दे गया था कि सम पीपल विल कम इन योर लाइफ जस्ट फॉर अ डे, सम विल बी देयर फॉर अ सीजन एंड सम विल बी देयर फॉर अ लाइफ टाइम। ठीक है, जो फ्रेंडशिप खोने का लॉस होता है, इसी तरह पार्टनर खोने का लॉस होता है, चाहे वो एस्ट्रेंजमेंट हो, यानी कि आपकी तलाक हो रही है, आपकी सेपरेशन हो रही है, तो ग्रीफ सब होगा ना, फहन लॉस ऑफ ऑल द एस्पिरेशन जो आपकी थी, जो आपका दिल था कि ऐसा होता वैसा होता, जो वांट्स थी, जो डिज़ायर्स थे, उनके खोने का लॉस होगा। बट ये लॉस आपको रोकी नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी कहीं और करें। और जहाँ बहुत ज़्यादा लफ्स नार्सिसिस्ट यूज़ हो जाता है, मैं ये भी कहूँगी कि देखिए हम सब ना थोड़ा थोड़ा आपको बंद हो सकता है ना, हमें अब तक काम करने की जरूरत है ना, किसी और की जिम्मेदारी थोड़ी है कि वो आगे ठीक करें। हमें सही बात है। और नार्सिसिस्ट तो वाकई से वर्ड है, एवरीबडी इज थ्रोइंग अराउंड, सबसे ज़्यादा मिस यूज और अब्यूज वर्ड है वो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डिप्रेशन इज थ्रो अराउंड। ठीक है, सैडनेस सब होती है, प्लीज़ अपने इमोशंस को समझें। दुख होता है, उदासी होती है, उदासी नेचुरल इमोशन है जो आपको दुचपन से आएगा। बट एक दिन आप अगर उदास हो गए, 2-3 घंटे आंसू बहाइए अपनी, वो डिप्रेशन नहीं है। प्लीज़ डोंट अब्यूज़ द टर्म। हाँ, सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, और सपोर्ट आपका जो लव्ड वंस का सपोर्ट होता है ना फैन, वो ये नहीं होता कि वो आपसे आके सिंपैथी देने, कुछ खाया हो नहीं मेरा बच्चा, नहीं, एम्पैथी ज़रूरी है। एम्पैथी और सिंपैथी का फर्क समझना ज़रूरी है। सही। हम क्योंकि लड़की की प्रपोज करके की बात से शुरू किया था हमने, मैं थोड़ा सा उसकी तरफ 1-2 पॉइंट्स और शेयर करना चाहूँगी। क्या हमारे से बड़ी जनरेशन, हमसे पहले वाली जनरेशन में कुछ लिमिटेशंस दिमाग में बनाई हुई थी, कुछ लेबल्स दिमाग में रखे हुए थे, वही जो हमें ट्रांसफ़र हुए कि क्या चीज़ वाली होती है क्या नहीं। हम कब क्वेश्चन करेंगे इस, और क्वेश्चन करने वाला बागी के नायदक कि नहीं। बिल्कुल ठीक है, क्या ये बगावन सही होगी कि नहीं, ये इसको फेमिनिज्म वो कह के ब्रश ऑफ करती रहता कि हाँ अच्छा अच्छा मैं ये भी फेमिनिस्ट है। एक इम्पावर्ड वुमन, एक अच्छी सोच रखने वाली औरत आपको नुकसान भी पहुँचा। सही बात है। इम्पावर्ड औरत के साथ रहने के लिए आपको भी बाशो इम्पावर्ड आदमी को नजर कैसे होगा, जब एक को हम सिखाए इमोशनली इंटेलिजेंट होना, एक के ऊपर मेहनत हो रही है, आपको पता है इनका बहुत ज़्यादा स्पेंड करती है, इन्वेस्ट करती है अपने ऊपर। मैंने पिछला पूरा साल 2023 में लेडीज़ कोचिंग, सो हाई एंड कोचिंग से भी कि जो 1 सेशन टाइप सीन हो जाता है। आप यकीन करें मुझे फ़ख्र भी है, मुझे खुशी भी है कि जैसे तैसे करके भी और लड़कियों ने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, नॉर्थ ने इन्वेस्ट किया, 40s में भी जो बात हो, उन्होंने क्या सोच के इन्वेस्ट किया कि पर्सनल डेवलपमेंट थी, जिससे वो कहते हैं ना कि एक और माँ को पढ़ा दो तो वो बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, जनरेशन के लिए बेनिफिशियल। उसी तरह एक लड़की अपने ऊपर अगर इन्वेस्ट कर रही है तो वो माइंडसेट, इमोशनल इंटेलिजेंस, अपनी लिमिटनेस होने वाली है, वो आपको हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कर देगी। आप उसे दुख देंगे तो वो भी बढ़ा देगी। सही बात। ठीक है, सो हमें शायद ज़रूरत है इस बात की कि हम खुल के बात करें। जहाँ मतलब की मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, मैं वहाँ इमोशनल हेल्थ को भी पॉइंट आउट करना चाहूँगी। ठीक है, आप लोग अपने आस पास बात करते हैं कि जी मर्द को बनी आतंकवादी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन इमोशनली एक्सप्रेसिव होना खाली बदलना नहीं होता। इमोशनली एक्सप्रेसिव होने का मतलब है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर आप काम करें, स्पेशली अपने स्टॉक्स के और अगर कोई आपको अप्रोच कर रही है तो पहले इंटेंशन सेट कर लो ना, मैंने इसको बनाना है, मैंने इसको अपने पीछे मैंने लव ऑन करना है, मैंने क्या करना, मैं आपको बताऊँ सर्टेन एनर्जीज मैच करती हैं, लेकिन फिर इंटरवीन तक जाते वंदन खानदान सेक्स वेजी शेमी ना सब, एक इंसान की एक इंसान से ताल्लुक बनता है, पहले उस इंसान की आपस में रवानगी हम रसोई, बाकी चीज़ें फिर डॉबल रिस्पेक्ट की तरह सेल्फ डाउन पहुँच जाती है। अच्छा, इसमें ख़ास तौर पे जो आपने अगर दूसरे पर्सपेक्टिव की बात करूँ मैंने कुछ दिन पहले बल्कि पोस्ट लगाई थी, क्योंकि मैंने अक्सर कहते ना कीड़ा होता है कि यार मैं कुछ ज़रा तिल लगाने, और मैं बड़ा क्योंकि अब अभी कुछ दिन पहले किसी ने मुझे कहा कि यार आप फिटनेस की बातें किया करो ना, ये है वो है। मैंने कहा भाई सिंपल सी बात है, आई बिलीव इन होलिस्टिक फिटनेस। कोई ख़ातून कोई मर्द हजरात जो भी हैं, अगर वो फिज़िकली फ़िट होना चाह रहे हैं और उनके घर में मसले चल रहे हैं या उनके ऑफिस में मसले चल रहे हैं, तो वो कभी भी मेंटली पीसफुल नहीं हो सकता, अपने ऊपर काम नहीं कर सकता। साइकोलॉजी से फिजियोलॉजी बेहतर होती है, लेकिन आप फिजियोलॉजी साइकोलॉजी बेहतर करना जाओगे तो आप उल्टा काम कर रहे हो, तो पहले साइकोलॉजिकली ठीक करो। ये भी होता है, लेकिन 80-20 होता है। लेकिन मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि इंटरकनेक्टेड हैं आप, हमेशा माइंड बॉडी सोल की बात होती है। सो यस, आउटकम से घर की चीज़ें ना वापस ये वर्क प्लेस पर नहीं लाते, लेकिन अंदर अंदर पकड़ा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और फॉर एग्जांपल जैसे ख़वातीन एक दूसरे से बात कर लेती हैं, आज ये हो गया घर में, वो हो गया, सास की बुराई कर ली, माजबून की बुराई कर ली। कभी कोई मर्द बुराई नहीं करता अपनी बेगम किसी और से। मैंने बहुत कम कमीने मर्द देखे हैं, एक दो। मेरे बॉस भी रह चुका एक आदमी, तो मुझे हैरत होती थी कि यार ये अपनी बेगम की बुराइयाँ आगे हमारे सामने कैसे कर रहा है। हाउ कैन यू फहन, लोगों की हैबिट्स बन जाती है, जो भी चीज़ रिपीट होगी वो हैबिट बन जाएगी। औरतें आपस में बातें जरूर करती है, लेकिन क्या कदूरत आती है और इस कदमत के साथ फिर वो बदन किससे होती है शायद। अक्सर मैं ये सुनती हूँ कि जी मेरे मियाँ जो हैं वो बैलेंस नहीं कर पाते, मदर इन लॉ और मुझे बहन, आपका कंपेरिजन है ही नहीं उसकी वहाँ से बहन से। मदर इन लॉ होती तो वो अपनी बेटी को उतना काम करने को शायद नहीं कहेगी जितना वो आपको करने को कहेगी, आपकी भी माता आपको उतना काम करने को शायद नहीं कहेगी जितना अपने लोग कहेंगी। ये एक ट्रेडिशनली कंडीशन दी होती है, एक्सेप्ट दिस, ठीक है। हाँ, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने की इस तरीके होती, आपको बाउंड्री बनाए बगैर सुकून नहीं मिले। बाउंड्री बनाना एक ऐसा हमारे जो लर्नेबल टीचेबल है और लर्नेबल स्किल आप सीख सकते। आपके कमेंट्स में मैंने देखा फहद थी लोगों ने यहाँ तक कहा है कि जी ये बाउंड्री बनाना सिखा के। मैं मास्टर क्लास होल्ड कर चुकी हूँ 2023 में भी, 2024 में भी, और इसी मकसद से कि जिन लोगों को बाउंड्री बनाना सीखनी हो वो ज़रूर सीखें। बट वो इस तरह ग्रुप कोचिंग की सेटिंग में होता है, वो पॉडकास्ट में नहीं होता, ठीक है। सो ये समझना ज़रूरी है कि हम बहुत सी चीज़ें आपको बता ज़रूर रहे कि ये पॉसिबल है, बट देन ये जनरलाइज बात एक अलग होती है और स्पेसिफिक नीड के हिसाब से बात अलग होती है। उसमें जितनी मेहनत, जितनी कंसंट्रेशन, जितनी ट्विकिंग स्पेसिफिक होने के लिए करनी पड़ती है, वो एक कोच समझ सकता है और वो आपको उसी तरह से कैटर करेगा। और ये जो बाउंड्री बनाने वाली बात है ना, मेरे एक्सपीरियंस में ये जितना जल्दी हो या जितना स्ट्रेटेजिक हो उतना अच्छा है। बहुत दफ़ा होता क्या है कि आप शुरू में अहत लिहाज कर रहे होते हैं कि ठीक है, और वहाँ से एक हैबिचुअल पैटर्न डेवलप हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल वहाँ से एक प्रेशर आ रहा है, आप गिव इन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने एक हफ्ता किया, 2 हफ्ते किया, बर्न आउट हो जाओगे। और अच्छा होता क्या है कि यहाँ वाले पैटर्न एक डेवलप हो चुका है कि यार यू आर लाइक दिस, कोई मसला नहीं, तुम्हें प्रेशर ले लोगी। अब होता क्या है जब आप बर्न आउट होगे ना और आप बैकलैश पे आओगी, तो ये वाली साइड जो होगी ना, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो इन लॉज हो, बोले यार पहले तो मसला नहीं था, अब क्या मसला हो रहा है, क्योंकि लैक ऑफ बाउंड्री था। तो आपने बाउंड्री बनाने में भी बहुत टाइम लगा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली फहद, इसी को अगर मैं एक और पहलू से देखूँ, वो लड़की भी तो ये सोच रही ना कि मेरा मियाँ क्यों नहीं मेरे लिए कुछ बोलता। Why doesn't my husband take a stand is the commonest thing that you will read on a platform where there are more ladies. मियाँ का स्टैंड लेना क्या होता है? मियाँ का स्टैंड लेना, मैं ये समझती हूँ कि इसमें वालदैन से बदतमीज़ी शामिल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बग़ैर बदतमीज़ी किए भी स्टैंड लिया जा सकता है, बग़ैर बदतमीज़ी किए स्टैंड लेने का मतलब है कि बाउंड्री बना दी आपने, ये कम्युनिकेट कर दो कि ये चीज़ जो है ना, ये मेरी बेगम से सिर्फ मुझे ही रिक्वायर्ड है और मैं ही कर सकता हूँ ये बात, और मेरे घर में कोई नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। मैंने ये भी एक लाइन लगाई थी कि लड़के से शादी होती है लड़के घर वालों से, तो काफ़ी लोग बुरा भी मान गए जी, दो ख़ानदानों की होती है। फिर काफ़ी लोगों ने प्रोग्रेसिव कमेंट्स भी किए, दो ख़ानदानों की होती है लेकिन साथ ग्रो करने के लिए होती है। तो ये लोग नहीं करते ना, इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मुझे कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने बताया कि यार मेरे भाई ने कहा मेरी बेगम को कि तुम ये चीज़ ऐसे करती हो वैसे करती हो, या फिर मुझे आके बोलता है तुम्हारी बेगम ऐसे करती है, अम्मा नाराज़ होती है। तो मैंने कहा हु द हेल इज़ योर ब्रदर टू से दैट टू यू। तो ये तुम्हारे पार्ट पे ये वीकनेस है कि तुम्हें सबसे पहले अपने घर में ये बाउंड्री कर देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि भाई हम दुबई गए हुए थे, मेरी अम्मा और भाई दुबई आ गए, तो वो वेस्टर्न पहन के घूम रही थी मेरी बेगम। तो मेरी बेगम अम्मा ने कहा कि क्या बेहुदा कपड़े हैं, ये है वो है। तो मैंने कहा तूने क्या कहा? तो मैंने कहा कि यार कोई मसला नहीं है, उसकी मर्ज़ी है। तो मैंने कहा तुझे ये बोलना चाहिए था अगर मुझे कोई मसला नहीं है तो किसी और को मसला नहीं होना चाहिए। तो दैट वाज द बाउंड्री दैट यू हैड टू ड्रॉ, क्योंकि तुम्हें कोई मसला नहीं था, वो घूम रही थी। सिमिलर सिनेरियो, किसी ने पूछा कि जी मेरी मदर इन लॉ ने एक लिस्ट भेज दी है, वो हमें विजिट करने वाली है और ये भी पाकिस्तान से बाहर जा रही है, वो विज़िट करने वाली है। उन्होंने बता दिया हमें सुबह रोज़ पराठे खाने होंगे, हमें तीन तरह की तीन मील्स की आदत है। तो पहला मील तो पराठों का हो गया और बाकी दोनों मील्स हम देख लेंगे कि क्या उसमें चावल की भी एक डिश होनी चाहिए और सालन भी कोई होना चाहिए। और उसके बाद ये कि हमको यू नो लाइक 6-7 बुलेट पॉइंट्स उन्होंने अपने बेटे को बताए, जो बेटे ने इंतहाई कैजुअली बीवी से कन्वे किए। बीवी पढ़ती भी है, काम भी करती है, मियाँ काम करता है। अब आप इस सिनेरियो में मुझे बताएं क्या ये इस सिनेरियो में हस्बैंड को क्या करना चाहिए? हस्बैंड को बिल्कुल ये बोलते हैं, मसला सारे है ना, हस्बैंड हमारे बड़े नहीं होते। मैं बड़ा ये कैमरा ही बोलूँगा, हमारे असल इशू जो मुझे समझ में आया, मेरे साथ भी हो चुका है ये, मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट ऑन द कैमरा। मैं भी बहुत देर में बड़ा हूँ, मुझे पता चला कि यार बाउंड्री इस तरह बनती है और मुझे इस तरह स्टैंड लेना चाहिए था या चाहिए है। तो अब लेकिन अगर मैंने गलती कर दी या फिर मैंने देर में सीखा, तो मैं चाहता हूँ कि दूसरे देर में ना सीखें, वो कम से कम ड्रॉ करें। तो ये सबसे पहले उस मर्द की जिम्मेदारी है कि वो जिसको जिम्मेदारी बना के लाया है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम्हें उसके लिए स्टैंड इसलिए लेना है कि तुम्हें उसकी स्ट्रेंथ का भी पता है, तुम्हें उसकी वीकनेस का भी पता है। अगर तुम्हें लगता है कि वो कर लेगी तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है, तुम्हें पता है कि वो वर्क कर रही है तुम्हारे साथ, तो उसका भी वही रूटीन होगा जो तुम्हारा रूटीन है। और तुम्हारी अम्मा की जो डिमांड्स हैं वो बेसिकली आउट ऑफ बाउंड्स हैं, मतलब मैं थोड़ा सा अपना इनपुट दूँ इस पर। देखिए एज ए रिलेशनशिप कोच मुझे जो सबसे पहली चीज़ अगर की वो ये कि सास की डायरेक्ट बहू से बात नहीं हुई, जबकि बहू ये काम करती है, बेटे के थ्रू क्यों गई? ठीक है, गैर मतलब ये एक गैर ज़रूरी अमल था। ये बेटा ये कहते थे आप डायरेक्ट बोल दें, ठीक है, कई सिनेरियोज हो सकते हैं ना इसके। और ये जानते अब बेटे को ये पता है कि मेरी बीवी जो है वो काम भी करती है और पॉसिबल नहीं होगा बहुत सारी डिमांड्स पूरी हो सके। डिमांड लिस्ट के बजाय यू नो ये देखना चाहिए कि हाँ, हम आपके ठहरने को, हम आपके जितना आपका पीरियड हमारे साथ गुजरेगा, हम एक दूसरे के लिए मेमोरेबल कैसे बना सकते हैं। इससे पहले कि वो अपनी लिस्ट भेजती ये भी हो सकता था कि अम्मी आपको क्या अच्छा लगता है खाने में, किसी एक दिन मैं ये पका दूंगी, किसी एक दिन मैं ये पका दूंगी। प्रोएक्टिव अप्रोच हो जाता है, प्रोएक्टिव। ठीक है, अच्छा दूसरा सास भी ये कह सकती थी इस तरह से डिमांड लिस्ट भेजने के बजाय बेटे को कि बेटा वो पढ़ भी रही है, वो काम भी कर रही है, हमें ये आदत है, क्या मैं पका सकूंगी कि वो एक खाना वो बनाए दूसरा मैं बना दूंगी, और रोज़ जो सुबह पराठे बनाने, क्या मेरे हाथ के खाना पसंद करोगे? कई तरह से इसको प्यार से हैंडल किया जा सकता है। कम्युनिकेशन इज की, यस, बट देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मुझे लगता है कि हमारा ट्रेडिशनल एक हमें पता होता है कि कहाँ हमें, जैसे यासिर भाई अक्सर बोलते हैं ना कि जब फड्डा होता है ना तो पहले देख लो कि रिजल्ट क्या लाना है, या अलहदगी करनी है, या मतलब मज़ीद फड्डा करना है, मज़ीद आग लगानी है, या फिर रिजॉल्व करना है। मुझे लगता है हमारे यहाँ जो कम्युनिकेशन होता है ना, ज़्यादातर इन लॉस की तरफ से या बेटे को जो प्रेशराइज किया जाता है, वो ये होता है कि किसी की हटानी है। मतलब मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि जानबूझ के इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं। निकाह नामे में मेहर कभी सेट किया है? नहीं। कौन किसको बताना चाहिए कितना मेहर होगा लड़की का? लड़की ने प्रपोज किया, अगर शादी चले जी दोनों वालदैन मिल लिए, अब हाँ जी डन हो गया सीन, किस किस बेसिस पे मेहर बताया जाता है? व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट? आपके ख्याल में क्या है? संचू का दिन? हाँ, किसका? अगर दोनों कमा रहे हैं तो ठीक है। क्या होता है ये? सेफ्टी मनी होती है, गिफ्ट मनी होती है, ठीक है। सो अगर इसमें लड़की वाले या लड़की बोले कि जी इतना मेरा मेहर होना चाहिए, क्या ये मायूब समझा जाना चाहिए? नहीं, समझा जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये है ना कि जाहिर है जिस कल्चर में है और जो डेफिनेटली। अच्छा, और क्यों भाई निकाह नामे में कुछ राइट्स होते हैं लड़की के, उसको भी काट दिया जाता है, काट दिया जाता है। आपको लगता है कि लड़के के वालिदैन कटवाते कि लड़की के वालिदैन कटवाते? तो मुझे हैरत हुई बहुत से लोगों से, अब इतने साल में कोचिंग करते करते मुझे इतनी हैरत होती है कि क्योंकि दोनों मायूस कभी ये नहीं सुना। हाँ, और शर्मिंदा होते हैं फिर लड़की वाले अगर बेटी बोलते तो कि जी अच्छा लाख नहीं 5 लाख तो वो इन्फ्लेशन देखे। हाँ, समझ रही मेरी बात? वो कॉन्शियस है इतने कि वो बात कर रहे हैं। लड़की वाले बुरा मान जाते हैं, या फिर सिक्का आज उस वक्त के लिहाज से बस 15,000 रुपये रख दो। क्यों क्यों रख दो? क्यों? ये तो हमारे लिए ये मतलब ये हम इन चीज़ों में वो नहीं करते, पढ़ते नहीं पढ़ना चाहिए। मेरी एक दोस्त ने बड़ी खूबसूरत बात कही, कहती है हमारी नर्सों डॉक्टर्स की एक फ्रेटर्निटी है, तो नर्सें कभी कभी डॉक्टर से बड़ा खुल के बोल जाती हैं। तो कहती है कि ये पंजाब की बात है, ठीक है, तो कहती है कि जी मैंने तो बड़ा सही किया, मैंने मौलाना को बोला कि जी मेरे निकाहनामे पे तुमने ऊपर लिखना है कि लड़का मुझे हर महीने 30,000 रुपये महाना मेरी पॉकेट मनी देगा। निकाहनामे में इसका कोई जगह नहीं है। तो मैंने उससे, मैंने कहा है ये कैसे लिखवा लिया उसने? कहती है बहुत प्रोएक्टिव थी, इतनी प्रोएक्टिव थी कि उसने ये तक लिखवाया कि मैं मैके किस दिन जाऊंगी, क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट है, मतलब दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। और मैं सोचूं यार माशाल्लाह वो नर्स बच्ची अपनी शादी के लिए इतना प्रोएक्टिवली उसने स्टेप्स लिए, अल्लाह में उसका खुश रखे, पुरानी बात है, बट इट वाज इट वाज अ हैप्पी सरप्राइज फॉर मी। किसने ये किया? क्यों ज़रूरत पेश आई ये करने की? क्योंकि डीप इनसाइड इनसिक्योरिटी थी कि मेरे साथ आगे क्या होगा। एक्सपीरियंस क्योंकि फहद, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि मेरे घर में मेरे फादर जिस तरह से फाइनेंसेस मैनेज करते थे, मेरे ससुर उस तरह से नहीं करते। तो मेरे लिए भी एक बड़ा जंप था कि अच्छा यासिर कमाते तो हैं बट एवरीथिंग इज़ शेयर्ड, सो लाइक अ लॉट ऑफ ईयर्स जस्ट वेंट इनटू दिस अनसेट सेक्रीफाइस कि अच्छा मांग सकते हैं, नहीं मांग सकते, नहीं समझ में आता। आप जहनी तौर पे ना ट्रेंड नहीं होते इसके लिए, कोई नहीं सिखा रहा था ये बातें। अगर शादी से पहले हो जाएं कि जी मैं कमाना चाहती हूँ और मैं कमा के आपको थोड़ा हेल्प करना चाहती हूँ, थोड़ा हेल्प का मतलब ये नहीं कि मैं सारे पैसे आपको दे दूँ, या मैं क्वालिफाइड हूँ बट मैं आगे काम नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जी मेरा हस्बैंड अल्फ़ा मेल रहे और वही करे, वही जिम्मेदारियाँ ले, एंड आई विल सबमिट, और मैं इस कोडिपेंडेंसी को कबूल भी कर रही हूँ। मैं आज ही किसी से बात कर रही थी कि जी हमारे यहाँ कोडिपेंडेंसी दिमाग में जहन नशीन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अक्सर ऐसे कमेंट्स भी देखती हूँ कि जी मेरा हस्बैंड ठीक ठाक कमाता है और कमा मैं भी रही हूँ, लेकिन मैं क्यों शेयर करूँ? वहाँ इस्लाम आ जाता है बीच में कि जी एवरीथिंग इज़ माइन। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज़ योर्स, लेकिन आपकी काइंडनेस कहाँ है, आपकी कंपैशन कहाँ है? एक बंदा आजकल के हालात को देखते हुए अगर कोशिश कर रहा है और आप कुछ कर सकती हैं तो किसी भी तरह कंट्रीब्यूट करें उसके जहनी सुकून के लिए, चाहे पैसे से करें, चाहे उसको पैम्पर करके करें, ना दें पैसे उसे लेकिन किसी और तरह से उसको जहनी सुकून दे दें, मॉरल सपोर्ट दे दें, उसको ये पता हो कि आप इंटरडिपेंडेंट हैं, कोडिपेंडेंट नहीं हैं। इंटरडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। जो प्रोएक्टिव ख़वातीन हैं उनको मॉडर्न, रिबेलियस या इस तरह के लेबल्स मिल सकते हैं, लेकिन प्रोएक्टिव होना ही बेहतर है। मैं चाहूँगी कि मेरी बेटी प्रोएक्टिव हो। एक चीज़ ना मैं कभी कभी मजाक में ऐसे को बोलती हूँ कि ना आई वॉन्ट टू बी विद यू, I don't need you per se. I want to be with you. So to be in this position, it has taken me a long journey. And that's more appropriate if you want to be with someone. यही तो intention होना चाहिए ना शुरू में कि आप मेरे need तो codependency है. हाँ, और need किस चीज़ की है? हाँ यार, मुझे क्योंकि आपका साथ बहुत अच्छा लगता है, तो हाँ मेरी need है. Need होती है हमें supportive network की. अब वो supportive network एक best friend भी दे सकती है, क्योंकि देखिए अल्लाह मैंने सबको मैं किसी खातून का पढ़ी थी कि उनके हस्बैंड का इंतकाल को काफ़ी अर्सा हो गया. मैंने एक पोस्ट डाली थी कि जी अपने हस्बैंड्स के साथ कौन डांस करता है, जस्ट टू सी के एक हेल्दी तरीका है टू गेट फिजिकली इंटीमेट. सो आई गॉट वेरी ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सेज. एक आदमी बीच में ये भी कहा ये किस किस्म की पोस्ट है, ये किस किस्म का सवाल है. तो माजरत अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो, बट ये एक बहुत हेल्दी तरीका है टू कम टुगेदर विद योर हस्बैंड एंड टू मेक मेमोरी विद देम. ठीक है. सो उसमें खातून ने लिखा कि अपने भाई की शादी के टाइम पे उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ डांस किया था. मैंने कहा और मज़ीद भी कीजिए, तो उन्होंने लिखा उनका इंतकाल हो गया. तो मुझे अफसोस भी हुआ, लेकिन मुझे खुशी हुई क्योंकि उन्होंने ख़ुद लिखा कि मेरे पास शुक्र है कि ये मेमोरीज है. सो क्या ज़रूरी है कि हम किसी के इंतकाल का ही वेट करें? हमें मेमोरीज़ बनाने पर गौर करना चाहिए और हेल्दी तरीक़ों से साथ आने का इस पे गौर करना चाहिए कि क्या वो एक्टिविटीज़ है, क्या वो एक्टिविटीज़ हो सकती है. बड़ी ज़बरदस्त बात की मेरे अभी जहन में आया कि लोग बोलते ना आई नीड यू. आपने कहा ना कि आई डोंट नीड यू, आई वांट यू. मेरा ख्याल से स्पार्क है तो यू वांट हिम. अगर स्पार्क ना हो तो यू डोंट वांट हिम, बट यू जस्ट नीड हिम टू गेट योर थिंग्स डन. मतलब बस ये है कि यार हो ना, गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है. तो मेरा ख्याल से नीड बिल्कुल बेसिक है कि यार है बस ठीक है. मतलब मेरे रोटी खाने पानी का इंतजाम कर देता है, ठीक है भाई मुझे तुम चाहिए, वो को डिपेंडेंसी है. बट व्हेन यू वांट हिम और एनीबडी वांट्स, हाँ वो तो डिज़ायर है और वो स्पार्क अलाइव है. तो ये एक बैठे बैठे याद आया कि ये वांट वाली चीज़ ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. विलिंगनेस है. मैं आपको बताऊँ जो वांट और डिज़ायर है ना, ये थ्रू ट्रस्ट बिल्डिंग, थ्रू स्टेइंग क्यूरियस अबाउट द पर्सन आता है. हम रोज़ इवॉल्व हो रहे हैं ना. अगर हम रोज़ इमोशनल चेक इन्स करें, हाउ वाज योर डे, व्हाट इज़ द हाईलाइट ऑफ द डे, आपका दिन कैसा गुजरा, कोई स्ट्रेस था. अब कोई अगर स्ट्रेसफुल बात कर रहा है, आप उसको कंधे दबा दो, क्या ये एक सपोर्टिव मूव नहीं होगा? बड़ी छोटी सी बात है. औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, अगर उनके मियाँ उनके पाँव दबा दे, क्योंकि बुरी बात है. एक एहसास को चेरिश करने की बात है ना कि हाँ आई फील लव्ड, मुझे महसूस होता है कि कोई मुझसे प्यार करता है. देखिए मुझे अभी रिसेंटली मेरी बहन की शादी हुई, सही है. अब कुछ अच्छी चीज़ें सुनने को मिलती हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार वो केयर करता है उसकी, वो उसके लिए ये कर रहा है, वो कर रहा है. तो मैं ये सोचता हूँ कि यार लोगों को ये समझ में नहीं आता कि जब आप भी अपनी बेगम के साथ करोगे तो उसको कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि एज अ ब्रदर मुझे अच्छा लग रहा है कि वो केयर करता है, ये एहसास कर रहा है इस चीज़ का. तो ये इस साइड पर आगे क्यों नहीं देखते? दोनों ये दोनों सेंस में फार ये देखें, जब कोई क्रिब कर रहा होता है ना अपने हस्बैंड के लिए, तो वो रिजेंटमेंट बाहर आ रही होती है. हाँ वो वेंट हो सकता है, रैंट हो सकता है, वेंटिंग सेशन हो सकता है, बट उस वेंटिंग का असल मकसद अपने आप को अनबर्डन करना होता है. लोगों को सही तरीके नहीं मालूम. उस अनबर्डनिंग के बाद जो खला है उसको फिल करने के लिए हेल्दी तरीका कोई है जो उन्होंने सीखा है? सबसे आसान तरीका है ना, यू वेयर अ स्माइल ऑल द टाइम. जैसे बहुत शुरू में मैंने ये रियलाइज़ किया कि यासिर 2 बजे भी आए रात के, अगर मैं स्माइल करके उन्हें वेलकम कर रही हूँ ना दरवाजे में, तो उस बंदे की बॉडी लैंग्वेज बताती थी कि यार नो आई वॉन्ट टू कम होम, आई वॉन्ट टू बी विद यू. क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो चाहे बिल्कुल शुरू हो मैरिज का, जब आप एक दूसरे के बारे में जान रहे होते हैं, चाहे बहुत एडवांस मतलब यानी काफ़ी साल गुजर चुके हों, अगर आपका दिल नहीं है ना घर जाने का, दोनों में से किसी एक का भी, तो ये गड़बड़ बात है. इसका मतलब है कि आप यू नो यू जस्ट वांट द हाउस नॉट टू ब्रेक, बट द होम इज़ ब्रोकन, देयर इज़ नो होम देयर. Okay, then a home is not the place, it's a person you go to. एग्जैक्टली, सो यू वांट टू बी विद दैट पर्सन. तो क्या चीज़ है, देखिए अक्सर बाद में ना बहुत से लोग, क्योंकि ये वाली इस 85% रिसर्च शो करती है कि 85% अरेंज मैरिजेस हैं. लव में, हाँ, पाकिस्तान में लव मैरिजेस भी टूटती हैं और अरेंज मैरिजेस भी टूटती हैं. लव मैरिज टूटती है तो दुख ज़्यादा होता है कि जी हमने तो इतना इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया हुआ था. अरेंज मैरिज में आम तौर से पेरेंट्स पहले शेम कर रहे होते हैं कि जी खुदा के वास्ते नहीं, निभालो निभालो, ठीक है. बट कुछ इमोशनली अब्यूसिव और फिर फिज़िकली अब्यूसिव रिलेशनशिप्स हो जाती हैं. जब तक वो फिज़िकल अब्यूज़ पे न पहुँच जाए वो औरतें अलहदा नहीं होती. आपको पता है ज़्यादातर इस शरह में, डिवोर्स की शरह में ज़्यादातर औरतें डिवोर्स ऑप्ट करती हैं, खुला ऑप्ट करती हैं, तो उनको हेल्प चाहिए होती है. क्योंकि पता नहीं क्यों मर्द हजरात को लगता है कि वक्त सब सही कर देगा या वो बस प्रोवाइड करते रहेंगे तो सब सही हो जाएगा. अच्छा, कुछ मर्द हजरात फाइनेंशियल प्रोविजन नहीं करते तो वो बस गिफ्ट और वक्त ही कुछ कर दिया और बस बच्चे पैदा किए, जिम्मेदारी नहीं उठाई. मुझे दुख होता है उन लोगों पे जो रिलेशनशिप को सिर्फ माशरे के लिए चला रहे होते हैं और अपनी ग्रोथ उसमें नहीं ढूंढ रहे होते. क्या हल है इस चीज़ का? व्हाट कैन वी ऑफर देम? ऑफ कोर्स आज आप सेल्फ अवेयर हो, आज आप उसके ऊपर काम करना शुरू करें. देखिए हर चीज़ मेहनत मांगती है. फाद फिटनेस क्या है भाई, मसल मेमोरी क्या है, हैबिट्स क्या है. आप फिज़िकल फिटनेस के लिए आप अपना एंगर चैनल कर रहे हो या कोई और इमोशन चैनल कर रहे हो, इमोशन आ रहा है ना, उसके ट्रिगर्स हैं ना, उन पे काम क्यों नहीं कर रहे, उन ट्रिगर्स पे काम क्यों नहीं कर रहे. इसी तरह बहुत सी औरतें जिम नहीं जाती हैं बट वो उनके आउटलेट्स होते हैं, उन्होंने या तो शॉपिंग स्प्री पे चली गई. जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है वो तो क्रेडिट कार्ड आउट कर दिया, ठीक है, शॉपिंग कर ली. शॉपिंग थेरेप्यूटिक होती है ये बोलते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही जेब खाली कर दें. माइंडफुल होके करें, ज़रूरत की चीज़ लें, ठीक है. इसी तरह अक्सर मैंने जो नोटिस किया है, जो मैं पॉइंट कन्वे करना चाह रही हूँ वो ये कि आप डिसाइड करोगे ना कि आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है, ठीक है. लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, फिर वो सोचते हैं कि अच्छा हम चलो, अब तो बहुत से लोग पूछते हैं थेरेपिस्ट के जाएं. फिर आ जाती है बात अफोर्डेबिलिटी की. मुझे नहीं लगता कि आज भी लोग पैसे अलग करते अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए. वो प्लॉट में इन्वेस्ट कर देंगे, वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देंगे, वो अपनी ग्रोथ पे इन्वेस्ट नहीं करते. वो स्किल सेट पे कर लेंगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स अभी मिल जाए कर लेंगे, कोई और कोर्स मिल जाए कर लेंगे. ऐसी चीज़ें जो पर्सनल डेवलपमेंट में ज़रूरी होती हैं वही चीज़ें आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी हेल्प करती हैं. आपको पता है, आप इस वक्त परसेंटेज खोल के देख लो, गूगल कर लो, ज़्यादातर कंपनीज ग्लोबली इमोशनली इंटेलिजेंट लोगों को हायर करना चाहती हैं. कौन होते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट लोग? जिनको पता है किस तरह नेविगेट करनी है अप्स एंड डाउन्स विद ह्यूमन इंटरेक्शन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एम्पैथी, कनेक्शन. इमोशनली इंटेलिजेंट होने का क्या मतलब है? आपका इंटरेक्शन बताता है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं. आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करते हैं प्रॉपर्ली, इससे आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होता है. फिर ये मैटर नहीं करता कि कौन पहले प्रपोज कर रहा है. क्यों? क्योंकि एम यही होता है कि यार वी आर गेजिंग ईच अदर विद लेस प्रेशर, और हम जो बात करेंगे उसमें इंडिविजुअल प्लस शेयर्ड गोल्स होंगे कि मैं ये बनना चाहती हूँ या मैं ये करना चाहती हूँ, मेरा लाइफ का पर्पस ये है. और आप शेयर करें या आपका लाइफ का पर्पस क्या है. विल इट बी बेनिफिशियल फॉर अस बोथ टू कम टुगेदर? अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट लगाई थी, किसी वो पब्लिशर ने लगाई थी या सब वैसे वैसे कर गया था मैंने थोड़ी देर पहले, कि उसमें था कि भाई लड़कियाँ 30-35 की हो रही हैं और रिश्ते नहीं आ रहे, वो रिश्ते नहीं आ रहे क्योंकि उनके नखरे बहुत हैं, डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं. तो मैंने उस पर सिंपल सी बात है कहते ना कि मैंने कहा था कि यार डिमांड ज़्यादा है, लड़के फुस हो गए. और ये भी तो हो सकता है ना कि लड़के बेसिकली वो लेवल अप नहीं कर पा रहे. मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने भी वो साइट देखी है जहाँ पे लड़की वालों की बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं, लेकिन आग दोनों तरफ सेम ही लगी हुई है. मतलब कोई दूध का धुला नहीं है कि अगर आप सारा ये बोल दो कि भाई लड़कियाँ ही ऐसी हैं तो भाई लड़कियों को भी तो कुछ चाहिए. मुझे एक बात बताए, डिमांड में ऐसा क्या मांगे क्या होती है? असल डिमांड तो ये होनी चाहिए कि इनके साथ मेरे अच्छी जिंदगी गुजर सके। हाँ, वहाँ से डिमांड होनी चाहिए। उतार चढ़ाव हर किसी के साथ आते हैं, उतार चढ़ाव फाइनेंशियल भी हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसे डेथ ऑफ पार्टनर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो कौन बुरा मांगता है अपने लिए? कभी किसी की डिमांड बुरी होती है? और डिमांड भी तो सब्जेक्टिव है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदी अच्छे वेल ऑफ घर से है और उसने कोई बेसिक डिमांड्स भी कर दी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लग रही हैं आपको, या बेसिक डिमांड्स दोनों एक ही खानदान से हो लेकिन वो बेसिक डिमांड कर रही है, तो वो भी आपको ज़्यादा लगेंगी। फैक्ट, मैं डिमांड की बट मैं आपको ना डिमांड्स की फ़िलासफ़ी में फॉलो नहीं करती। मुझे ये तरीका ही सही नहीं लगता, क्योंकि मेरी नज़र में डिमांड कोई कभी बुरी कर ही नहीं सकता। ये बात भी ठीक है ना। मैं तो ये कह रही हूँ कि यार ये थोड़ी बोलेगा, वी आर टुगेदर इन दिस, वेदर इट्स शिट और वेदर इट्स व्हाटएवर, हम इकट्ठे हैं ना भाई। टीम वर्क की बात कर रही हूँ मैं। टीम वर्क इज इंटरडिपेंडेंस। टीम वर्क इज, जब आप, इसलिए कहते हैं कोचिंग ले लो, क्योंकि डेफिनेशन समझ में आती है कि बेसिकली हम डिमांड करके आ रहे हैं। डिमांड ही बेसिकली समझ नहीं आता लोगों को। एंड जो अलाउड इंटरफेरेंस है इन लॉज की, अलाउड इंटरफेरेंस इज वेलकम बाय बोथ पार्टीज। अलाउड इंटरफेरेंस फिर इंटरफेरेंस नहीं होती, उससे चिड़ नहीं होती। अलाउड इंटरफेरेंस इज, हाँ हमें अच्छा लगता है, हम बैठ के ये कर लेते हैं, हम मिलने जाते हैं, हम लेके जाते हैं साथ, जो भी जो एक्टिविटी है। मैं इस बात पे आना चाहूँगी कि एज बच्चियों की निकल रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं, तो ये स्लीपिंग ब्यूटी कॉन्सेप्ट कब ख़त्म होगा फहद? कि कोई घुड़सवार आएगा और उनको जगाएगा, या फिर वो डिमांड से पूरा उतरेंगे जब भी कुछ होगा। सो अगेन आई वुड वांट टू पॉइंट आउट के विजिबल होना ज़रूरी है। इफ़ यू आर समबडी हु वांट्स टू मीट पीपल, पहले क्या होता था फहद, अपने ना 5 किलोमीटर के सर्कल में शादियाँ हो जाती थी, 10 किलोमीटर के सर्कल में शादियाँ हो जाती थी, जान पहचान वालों में रिश्ते हो जाते थे। वरना जो ये होती ना मजलिसों में या आपके घर में मिलादों में लड़की पसंद आ गई और शादियों में तो सज धज के जाते ही ठीक है, क्योंकि लोगों की गैदरिंग इस तरह से होती थी। अब वो वक्त नहीं रहा, अब वो टेक्नोलॉजी नहीं रही। अब लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपका सही जगह पे विजिबल होना ज़रूरी है, आपका लोगों से मिलना ज़रूरी। यू डोंट चूज़ कि जी ये मुझे ये मुझे किस कब तक खुश रखेगा। देखिए, ऑप्यूलेंसेस की मैंने एक दफ़ा पहले भी बात की थी। आपकी शक्ल सूरत आज खूबसूरत है, आप फिर कल उम्र आनी है और आपने ढल जाना है, अनलेस के आप कि किसी कॉस्मेटिक सर्जन से दोस्ती और आप खूब जाके अपने मरम पट्टी करा लें, ठीक है। बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग, ठीक है, खूबसूरती हर वक्त नहीं रहती, रिंकल्स आते हैं, एज बढ़ती है, उस वक्त ज़ाहिर खूबसूरत, या इवन प्रेगनेंसीज़ के बाद उन लोगों की हालतें ऐसी हो जाती हैं, लड़के हैं आउट ऑफ शेप हो जाते हैं, ठीक है। सो फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस उस वक्त मायने नहीं रखती फिर, ठीक है, ऑपुलेंस है ये। इसी तरह आपके पास पैसा अगर बहुत है, आपको क्या पता अल्लाह ने आपके लिए क्या उतार चढ़ाव में क्या रखा है आगे, ठीक है, ये ऑपुलेंस है। इसी तरह हाफजा, पढ़ाई, जो आपने अगर कुछ कुछ अचीव किया हुआ है, इस तरह से यू नेवर नो कि आपके पास डिग्रियाँ भरी पड़ी और जॉब ना हो, एक बात है, जिस तरह चीज़ें डेवलप हो रही हैं, मार्केटेबल स्किल ना हो। सो एग्जैक्टली, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। जो ऑपुलेंस है वो आपसे, वो एक अलमिया का तोहफा है जो आज आपके पास है और उसके बाद हो सकता है कल ना हो। तो क्या ज़रूरी नहीं है कि हम वो स्किल्स सीखें जो ताहयात हमारे साथ रहेंगी? एक अच्छा माइंडसेट, पॉजिटिव सोच बनाना हर चीज़ में, हर इवन मैं कहूँगी कि लोगों को, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कोई गलत सही नहीं होता, आप उस लिहाज से देखें कि आपके साथ कौन माइंड मैच कर रहा है, तो आप अपने गिरदो नवाम में ऐसे लोग चुन लें जिनके साथ आप वक्त बिताना चाहते हैं और अपनी एनर्जी शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। उसी में तो ये भी आ जाएगा ना, फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़रूरी तो नहीं कि हर इन लॉज में भी आपकी हर किसी से ही बने, और निभाने वाले निभा भी लेते हैं, बट कहने का मकसद क्या है कि बी माइंडफुल, क्योंकि एनर्जी फिनिट होती है ना, आप रिचार्ज हो रहे हैं, आपको रिचार्जिंग का टाइम भी चाहिए, आप बर्नआउट की तरफ मत जाए। Get out, be visible, know yourself before you meet somebody so you know what to say. आपको पता होना चाहिए आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे कराओगे, ठीक है, और उस इंट्रोडक्शन से बात कैरी कैसे करनी है। मुझसे किसी ने बड़ा खूबसूरत सवाल किया कि जी मैं तो इंट्रोवर्टेड हूँ। बाद मैंने बड़े प्यार से उनको ये समझाया कि आपकी इंट्रोवर्टेडनेस हैंडीकैप नहीं है। इंट्रोवर्टेड होने का मतलब महज ये है कि जब आपको रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको अलोन टाइम चाहिए होगा। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप खुल के किसी से डीप कनेक्शन नहीं बना सकते या मुलाकात करते हुए लाइक आइडेंटिटी जो अटैच कर लिए ना लोगों ने अपने साथ, उस आइडेंटिटी का असर भी तो है, ठीक है। अच्छा, फिर आपने शुरू में फेमिनिज़म की बात की। देखिए मैं उन लोगों में से हूँ जिसने रात को उठ के अपने मियाँ के लिए रोटियाँ भी डाली हैं, ठीक है। मैं उसको खुद खिदमत नहीं समझती, मैं समझती हूँ कि यार एज अ वाइफ मुझे अच्छा लगता है कि चलो मैं उसके मुंह में उसकी मामा की तरह निवाले नहीं डाल रही, लेकिन अगर मैं ये कर सकती हूँ उसके लिए तो मैं क्यों ना करूँ, मुझे अच्छा लगता है खुद। सो नोइंग व्हाट यू लाइक इज़ इम्पॉर्टेंट। ये मेरे लिए जबर नहीं है, ये मेरे लिए ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। अपने बच्चों को मैं अगर अपने हाथ से अभी मेरी बेटी आपको पता है 11 साल की है, ठीक है, वो नखरे करती है, खिलाना पड़ता है, हाँ, वरना मेरी तसल्ली भी नहीं होती ना टाइम्स के उसने प्रॉपर खाया नहीं खाया, बाहर की चीज़ें फौरन खा जाती है। लेकिन हमारी वाली तो ऐसी है कि रखो तो वो जैसे फॉर एग्जांपल 2 मिनट बाद बोलेगी इंशा खा लिया, देखा अभी चबा ही रहा है, अभी चबा ही रहा है, एग्जैक्टली सही। सो व्हेन यू नो मैं मेरा ट्रेन ऑफ थॉट बच्चों की तरफ निकल गया बिल्कुल, बट कहने का मकसद मेरा जो टोटल बात करने का मकसद था वो ये था कि आप इस तरह से इसको देखें कि जब आप थोड़ा सा भी मेहनत अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में करते हैं तो इसका रिपल इफ़ेक्ट कितना ज़्यादा है। आपके बच्चे आपसे सीख रहे हैं, आपके बच्चों के आप रोल मॉडल्स हैं। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स आती है ना निकल के, वो इसलिए आती हैं क्योंकि आपके पास रोल मॉडल्स आइडियल तो कभी नहीं होते ना, फार लोग मेहनत कर रहे होते हैं। सो आपको कोई परफेक्ट नहीं होता। हमारे भी, मैंने आपको जैसे पहले बताया, पेरेंटिंग पे अब हमारी कभी अनबन हो जाती है या बहस मुबाहिसा हो जाता है, झगड़े उस तरह से नहीं होते क्योंकि हम भी सीख रहे हैं विद टाइम, और हम जो चीज़ें सीखे वो हम अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे अप्लाई करना जरूरी। मैंने ना इंटरेस्टिंगली यहाँ पर एक पोस्टर पे बना के लिख भी लिया था, पता है आपको, कि जब आप आएंगे तो मैं आपको बताऊँगी कि चंद वो चीज़ें 5 थिंग्स आर अ मस्ट, राइट। ये मैंने लिख लिया था, 5 थिंग्स आर अ मस्ट। चाहे आप प्री मैरिटल कोचिंग ले रहे हैं, चाहे आप शादीशुदा हैं और अपने हालात बेहतर करना चाह रहे हैं, चाहे आपकी तलाक हो चुकी है और अब आप रुजू करना चाह रहे हैं, चाहे आप डिवोर्स्ड हैं और नया रिश्ता शुरू करना चाह रहे हैं, आपको अपने आप को अनबर्डन करना होगा। आपकी अनबर्डनिंग आपके टू बी का या पोटेंशियल स्पाउस की जिम्मेदारी नहीं है, ना आपके बच्चों की है। आपके बच्चे बैठ के आपको मदरिंग कर रहे हैं, यानी एक तकलीफ से अमल है एक बच्चे के लिए अपने पेरेंट्स को संभालना और उनको वो केयर देना जो कि शायद उनको इस एज में अपने बच्चों को देनी चाहिए। ऐसा होता है, हालात ऐसे हो जाते। कीपिंग इन माइंड पर्सनल डेवलपमेंट आप सब कर सकते। मुझे ये बताएं कि जैसे हम प्रपोज़ल की बात कर रहे हैं तो भले लड़कियाँ 18-19 साल 20 साल की हों जो अभी आहिस्ता आहिस्ता देख रही हैं दुनिया में और उन्होंने थोड़ी नज़र चलाना शुरू की है, उन्हें लोग अच्छे लगने शुरू हो गए, या वो 30-35 साल की ख़वातीन हों जो कि बेसिकली थोड़ा डिले हो गया उनका, ये कैसे पता चलेगा कि इनकी चॉइस राइट है या नहीं है? मतलब दुनिया तो ये जानती है ना कि यार इमोशनली ज़्यादा इनके जैसे लव लस्ट और इन्फैचुएशन में फ़र्क कैसे करें, ये कैसे पता चलेगा? ये मतलब आप जब प्री मैरिटल कोचिंग करती हैं तो आपको भी चैलेंजेस देखने होते होंगे, फिर आप किस तरह कोच करती हैं उनको इन एलिमेंट्स पर? मेरे बड़े सिंपल 2-3 सवाल होते हैं जिससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि इन डेप्थ कितना जानती हैं जिससे क्लेम कर रही हैं कि जी इनको ये अच्छे लग रहे हैं। सो आई वॉन्ट टू हाईलाइट के अगर आपको नहीं मालूम कि आप जिसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं उसके वैल्यूज़ क्या हैं, उसके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, वो चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करता है, उसका गो टू इमोशन क्या है, उसको जब रिचार्ज करना होता है तो वो क्या करता है, दोनों की बात कर रही हूँ मैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर आपको ये वो चंद चीज़ें जो बेस्ट बडीज़ को बाज़ औक़ात पता होती हैं, अंदरूनी बातें ना बहुत कम ये निकल के आती हैं। आप हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं, मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, बट ये वो इंटीमेट टॉक है जो इमोशनल कनेक्शन को डीप करता है, ठीक है। और ये अचानक किसी से नहीं पूछा जाता, ये थोड़ा सटल चीज़ होती है, आहिस्ता-आहिस्ता पता चलता है। मतलब आप जैसे मैंने बताया ना कि 3 मुलाकातों में कम से कम आप इस तरह की बातों पे आ सकते हैं कि अच्छा। और आप हमेशा अपने आप से शुरू करते हैं कि मुझे मैं यासिर के साथ जो रात का मेरा क्वालिटी टाइम होता है मैं उसमें रिचार्ज हो जाती हूँ, और मुझे और यासिर को हम दोनों एक्सट्रोवर्टेड हैं, तो हम दोनों को लोगों की गहमा गहमी पसंद है, बट अब हम माइंडफुल हो गए कि हमने किसके साथ एनर्जी शेयर करनी है, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रही। सो लव की कोई डेफिनेशन नहीं है, ग्लोबली कोई डेफिनेशन नहीं है, कई तरह का है। एक उनसियत है, एक अफेक्शन है जेस्चर्स में, और इन्फैचुएशन महज एक ख़याल है कि जी ये मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे इनके बारे में पता कुछ नहीं है। फिज़िकल अट्रैक्शन हो सकती है इसमें, रोमांटिक अट्रैक्शन हो सकती है इसमें। जैसे क्रश आमतौर से वर्ड यूज़ होता है जब कोई सेलिब्रिटी हो, कोई जिस पे बहुत सारे लोग मरमट रहे हो ना, तो उसमें भी आपको इंटेंशन ये नहीं होती कि ये मेरा क्रश है, मैंने इससे शादी करनी है। शादी का इंटेंशन नहीं होता, वो एक हैप्पी टू सी, हैप्पी फील्स के लिए होता है। ओ वाह अच्छा ऑटोग्राफ ले लो मैं, दैट काइंड ऑफ। बट जहाँ लोग ये क्लेम करने लगते हैं कि अरे ये इनसे मुझको प्यार हो गया, इनके बाल बहुत अच्छे हैं, इनके पाँव बहुत खूबसूरत है, बहुत सी चीज़ें सुनने में आती है, पर क्या बताऊँ आपको। सो ये इन्फैचुएशन है कि आपको कोई एक चीज़ अच्छी लग गई उनके बारे में, अब आपने उसके बारे में सोचना शुरू किया और आपने कहा वाह यार ज़बरदस्त, आपको अंदर कुछ नहीं पता। सो ये लव नहीं है, ये लव नहीं है। ये मैं चाहूँगी कि हम नेक्स्ट जब भी बात करें तो हम उस स्टेटमेंट पे बात करें जो मैंने आपसे शेयर की थी, और वो मैं अभी बोल भी देती हूँ ताकि लोगों को भी अंदाज़ा हो जाए हम किस बारे में बात करेंगे। मे बी दे कैन सजेस्ट समथिंग और दे कैन आस्क क्वेश्चंस अराउंड इट। आर यू इन लव, और आर यू इन लव विद द आइडिया ऑफ बीइंग इन लव? क्या आपको वाकई प्यार है, या आपको इस ख्याल से प्यार है कि आपको प्यार हो गया? घूम जाएंगे तो घूम जाए लेकिन ये वो चीज़ है जिससे इस चीज़ की तमीज़ लोगों को आ जाएगी कि यार हमारा इंटेंशन क्या था इस शख्स से बात करने का, इसका बोल क्या था। आप नोटिस नहीं करते जब आप आते हुए पूछते अच्छा हमारा क्या आज ये पॉडकास्ट का गोल सेट कर लेते हैं, इंटेंशन सेट कर लेते हैं। क्यों? ताकि क्योंकि देखिए मैं अगर ये वक्त आपके साथ लगा रही हूँ, आपकी ऑडियंस को ये अपना टाइम दे रही हूँ, तो मैं चाह रही हूँ ना कि यार किसी तरह ये लोग भी सीखें, और उसके बाद जो चीज़ें हम हाईलाइट करते हैं उनके ऊपर एफर्ट लगाए ना। ये पता है किस तरह का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है बेसिकली रिलेट करता है सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री से, क्योंकि लोग वीडियोज़ पर वीडियोज़ आ रही हैं, बुक्स पर बुक्स आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है। बहुत दफ़ा मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि बुक्स पढ़ते हैं, बड़ी पॉजिटिव चीज़ें पढ़ते हैं, पॉजिटिव कॉन्टेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं उनके एक्शंस में वो चीज़ छलक नहीं रही होती है। तो दे लाइक द आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प, बट दे डोंट प्रैक्टिस दैट सेल्फ हेल्प। आई सेड दिस बिफोर एज 95% पीपल नो व्हाट टू डू, हां, बट बिकॉज़ ओनली 5% पीपल एक्चुअली टेक एक्शंस। सेम इन फिटनेस, हमारा 5% लोग में रहे, अल्लाह का शुक्र, बट कंटिन्यूअस विद दैट डेली एफर्ट। लेकिन फिर भी हम अपने आप को भी क्वेश्चन करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ डिस्कस कर रहे होते हैं तो ये नहीं कि हम परफेक्ट होगा और हमें पता है इसलिए अब हम चले गए, हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। लर्नर है साहब। हां बिल्कुल, मैं और यूनिवर्सिटी कहते हैं कि हम तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं ये? बिकॉज वी आर एक्सपर्ट, वी नो कि जो आज हमें पता है, आज भी इफेक्ट सैटरडेज आर लर्निंग डेज फॉर मी, कुछ ना कुछ मैं सीखती हूँ, कभी आपसे कुछ सीखने मिल जाएगा, कभी आपसे से तो रोज़ ही कुछ ना कुछ डिस्कशन में कुछ ना कुछ सीखती हूँ, मैं अपने बच्चों से सीखती हूँ, मेरे बच्चे को नॉलेज हो, ठीक है। इसी तरह कोई मेहमान होता है, एक इंटरेक्शन होता है ना, तो इंटेंशन अगर सीखने की हो तो आप अपने को नहीं है, जो अपने को ले उसकी ग्रोथ रुक जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये लस्ट, लव, इन्फैचुएशन वगैरह की बात कर ली, तो मेरा ख्याल से आप ये कह रहे हैं कि इन्फैचुएशन जब होती है या लस्ट जब होता है या सिर्फ लव होता है, इंटेंशन नहीं होती, तो बहुत सारे रेड फ्लैग्स आप इग्नोर कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बंदा बड़ा माचो दिखता है, सही है, या फिर उसको गुस्सा बड़ा आता है, तो आप इन्फैचुएशन हो गई, यार गुस्सा आता है, ये गुस्से का तेज़ है, मतलब आप किसी और आइडियल पे शुरू हो गई, जबकि वो चीज़ आपको भी और आपके ख़ानदान वालों को भी मतलब अफेक्ट कर सकता है, आपके बच्चों को भी अफेक्ट कर सकता है, आपके ख़ानदान का इमेज को भी अफेक्ट कर सकता है। लेकिन अभी तो आपको माचो लग रहा है, तो वो रेड फ्लैग है जो नज़र नहीं आ रहा है अभी। बट हर चीज़ रेड फ्लैग नहीं होती, चंद चीज़ें होती है रेड फ्लैग्स, और रेड फ्लैग हर किसी के फ़र्क होते हैं, क्योंकि मेरी वैल्यूज़ से जो मैच नहीं करना वो मेरे लिए रेड फ्लैग है। हाँ समझ रहे हैं आप। जो जनरलाइज रेड फ्लैग्स है वो ये कि फॉर एग्जाम्पल कल मज़र से गुजरी पोस्ट के जी नई नई मंगनी हुई है, मंगेतर ने मांग लिया कुछ पैसे ट्रांसफर कर दो, इन्होंने कर दिए, अब कह रही है कि उसने तो बता भी नहीं वापस कब करेगा, या ये पूछ लिया कि जी कौन सा फ़ोन इस्तेमाल करती हो, अच्छा आईफोन है, अच्छा मुझे थोड़ी देर के चाहिए मुझे वीडियो करने जान, तो वहाँ जो कमेंट्स नीचे वो सब एक अभी रेड फ्लैग्स है। आप जब मशवरा मांग रहे हो किसी से जनरल टॉपिक से, तो हर कोई अपनी कैपेसिटी के लिहाज से आपको मशवरा दे, आपकी अपनी कैपेसिटी। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि अगर कि मंगनी वाली है ठीक कम हो रही है, अगर हमसे तो कम हो रही है, ठीक है, तो जाहिर है इनकी भी सर्टन लेवल ऑफ मैच्योरिटी नहीं होगी, तो ये वो शामत कर रही है। बट एक होती गट फीलिंग, क्या आपको सही लग रहा है ऐसा हो रहा है, आप उसको कंट्रीब्यूट करें कितनी, व्हेन विल यू स्टार्ट डिस्कसिंग कैच जी फाइनेंस कैसे बन चुकी, अब तो मम्मी शुदा हो ना, अब तो एक्सेस है ना, ज़्यादा बात हो सकती है, सही है। अच्छा इसी तरह मर्जा जाओ, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने गिफ्ट कर दी कोई एक्सपेंसिव चीज़ मंगनी के टाइम पीरियड में, अब आपने एक एक्सपेक्टेशन सेट कर दी, उसको बाद में कैसे मीट करोगे है, उसके बाद वो और ये ऑपिनियंस की है ना ऐसे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि जी तो फिर न, मैं ये कह रही हूँ कि अगर इंटेंशन मेमोरी बनाना है ना, तो आप हर वो अच्छे इकदाम करेंगे जिससे मेमोरी तो अच्छी बन रही। देखिए जैसे मैंने अलाउड इंटरफेरेंस रखा था, सो हर बात में ये बोल देना मेरी अपनी नहीं चाहती, मेरे आपको नहीं चाहते, ठीक है। और इसमें कहीं भी मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी के भी वालदैन की जो है वो यू नो डिसरिस्पेक्ट हो, बट वो वालदैन जो बहुत ज़्यादा हेलीकॉप्टर पेरेंट होते हैं, हर वक्त अपने बच्चों के सब पे खैरख्वाही के तौर पर मुसलस रहते। ये बिल्कुल वैसे जैसे एक बटरफ्लाई को अगर वो जब अपनी कोकून स्टेज पे हो, तो आप हमदर्दी करते हैं उसके बकून को खुद ही खाड़ते हैं, तो वो बटरफ्लाई जैसे कभी परवाली नहीं निकलती, बावरें की शदत की निकलती है जो अपनी एज से बहुत पहले मर जाती है। एग्जाम्पल देने का मकसद ये था कि कुछ गलतियाँ बच्चों को करने देनी चाहिए, कुछ एक्सपीरियंसेस जब वो जवान हो रहे तो आपको ये भी बोलते हैं वो करने होते हैं, और आप उसमें बैक स्टेप लिए। तमाम बड़ों से मेरी गुजारिश हो रही कि जब आपके बच्चे अपने स्पाउस ढूंढ रहे, जब वो इंक्लिनेशन शो करे कि हाँ जी आई एम ऑफ द एज जहाँ मुझे लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं और मैं मिलना चाहती हूँ, मैं बाहर निकलना चाहती हूँ या चाहता हूँ, या मैं किसी को मिलवाने लाना चाहता हूँ, तो वो मिलवाने लाना चाहता हूँ एक सेंसिटिव स्टेज है। लोगों में कीड़े निकालना बहुत आसान होता है, लोगों की मिस्टेक्स पॉइंट आउट करना बहुत आसान यदि फनी बात है, बट जैसे मैं सामने हो मेरे दांत टेढ़े हो मेरे पार्लर उसके इस चीज़ का एहसास मुझे पार्लर वाइन में ज़्यादा दिलाया है, ठीक है। मैं निगाह में कभी कुछ नहीं बोला इस बात से, वो तो कहता है भाई ना दिस इज हाउ आई लाइक इट, ठीक है। बट यू नो सो हर चीज़ में टीने निकालना, किसी भी चीज़ ना करने के 100 बार देना, ये बात है कि आपको अगर एनर्जी मैच नहीं करी तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी एनर्जी मैच नहीं करी तो आपके बच्चों भी नहीं करेगी, सही। और जहाँ ये आवजह कि हाँ जी इट्स अंडर ऑफ मैरिज, उसको वायु समझना बंद कर दे, उल्टा ये बात करें कि हाँ अच्छा ठीक है व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, और इसको मज़ीद बेहतर कैसे कर सकते हैं, जो इस वक्त तुम लोगों की कनेक्शन है उसको इमोशनली डीपर कैसे कर सकते हैं। इमोशनली डीपर कनेक्शन में ना हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली फ़िज़िकल इंटीमेसी जल्दी हो जाती है, इमोशनल डीपर कनेक्शन देर से होता है। तो जब आप शुरू में ही इमोशनल डीपर कनेक्शन बनाएंगे ना, तो बाद में फ़िज़िकल इंटीमेसी में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। फ़ाहद आपको पता है अक्सर शादियों में फ़िज़िकल इंटीमेसी के इश्यूज़ आ रहे होते हैं। मतलब रिसर्च ये कहती है कि 90% औरतें तो ऑर्गेज़म रीच नहीं करती व्हेन दे आर फिज़िकली इंटीमेट विद देयर हस्बैंड्स। सो जब अल्लाह मियाँ ने हमें लीगली खूबसूरत रिश्ता दिया है जिसमें हम भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकते हैं अपने हस्बैंड्स के साथ या अपनी वाइफ्स के साथ, तो मेरे ख्याल से वो झिझक, वो शर्म जानबूझ के, जिसको हम हया तो बोलते हैं, ठीक है कि जी हया होनी चाहिए, लेकिन जो रिश्ता अल्लाह मियाँ ने हमारे लिए बेपर्दगी का रखा है, हम उसी को यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। अपने आप को वो प्लेजर से क्यों दूर किया हुआ है हमने, उसको भी टाइम मारा था। तो ये हरगिज़ भी रेड फ्लैग नहीं है कि अगर आपका मंगेतर आपसे पूछना चाह रहा है कि जी अच्छा यू नो लाइक तुम्हारा रोमांस लैंग्वेज क्या है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है बताओ, और सो दैट आपकी जो इनिशियल मैरिटल लाइफ है वो ज़रा स्मूथ हो जाए। ये मेरे नज़दीक ये मायूबात नहीं, लोगों को लगेगा कि ये बहुत एडवांस बात है। और इसमें हाँ कॉशन क्या है कि अक्सर बच्चे आजकल, मैं 20s वालों को भी बच्चा ही बोलती हूँ, अक्सर बच्चे फ़ोन पे ना तस्वीरें शेयर कर लेते हैं जो कि बाद में लीक होने में बड़े बड़ी बुराइयाँ आ जाती हैं लोगों के। तो प्लीज़ बी कॉशियस, ये तो आपके अपने हाथ में है ना कि आप क्या शेयर कर रहे हो। और आप अगेन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और इमोशनल डीपर कनेक्शन की बात की है मैंने। सही बात, तो बात ना हाँ बाद में ही आनी चाहिए, बट क्योंकि हम कंडीशन इस तरह से है ना कि हमें कोई फिजिकली अट्रैक्ट कर रहा है तो हमें लगा हम वी आर इन लव, ठीक है। सो अगर ये चीज़ समझ ली जाए, इसमें फिर कोई रेड फ्लैग नहीं है कि आप उसको अच्छे तरीके से कंटिन्यू करें। सही, ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। और इंशाल्लाह मैं तो ये चाहूँगा कि आप लोग जब कमेंट्स करते हैं तो हमें बेसिकली जो कंटेंट का एक होता है ना कि क्वालिटी कंटेंट के सब्जेक्ट जो है आपके कमेंट से ही मिलते हैं। मैं चाहूँगा कि ये आप अगर यहाँ तक पहुँचे हैं, जो कि मुझे पता है कुछ डाई हार्ड फैन है जो हमारा 2.25 घंटे का देख सकते हैं पॉडकास्ट, तो ये 1.5 घंटे का भी देख सकते हैं, तो मैं आप लोगों को ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग अपना इनपुट दें और हमें बताएं सजेशंस क्या हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं, क्योंकि इस पॉडकास्ट के अंदर भी हमने काफ़ी सारे एरियाज डिस्कस किए जिनमें से और चीज़ें ब्रांच आउट होती है। और मुझे पता है मतलब बीइंग एन एक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी, मैं जितना बोल सकता हूँ, जितना सवाल कर सकता हूँ फ्रॉम दिस साइड ऑफ द टेबल मैं कर सकता हूँ, और आप भी आपकी जवाब भी लिमिटेड है एज पर योर एक्सपीरियंसेस, लेकिन आप जब बताएंगे तो हमें और पता चलेगा कि और कहाँ कहाँ कौन सा ऐसे एरियाज जिस पर बात हो सकती है, ताकि हम अपनी रिसर्च को भी एक्सपैंड करें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, स्टोरीज भी शेयर करें। बिल्कुल फ़ाहद, मैं तो चाहूँगी कि जो भी इस पॉडकास्ट में शेयर हुआ है, स्पेशली यू नो आई स्पोक अ लॉट अबाउट यंग गर्ल्स कमिंग फॉरवर्ड, बीइंग प्रोएक्टिव। ऐसा हो सकता है भाई कि आपको रिमार्क्स ऐसे भी मिले कि क्यों इन्होंने बोल दिया और यंगस्टर्स को क्या सिखा रही हैं, बट अगेन इंटेंशन ये नहीं है कि कोई किसी गलत बेरारवी में पड़ जाए। इंटेंशन ये है कि आपका हर एक्शन आपके माइंडसेट के साथ अलाइंड हो और आप सीधी राह पे चलते हुए आप अच्छी राह से, भाई अब हमने भी किए हैं ना कुछ चीज़ें। ये सिंपल सी बात है, इट्स नेचुरल इंस्टिंक्ट को आप कभी भी डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन उसको चैनलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, आपकी इसी बात से फाद एपिसोड का इख्तिताम करते हुए कहूँगी कि मिसगाइडेड मिसाइल ना बने। मिसाइल तो आप हैं, मिसगाइडेड मिसाइल ना बने। थैंक यू सो मच फहद। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड।